हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है, कंप्यूटर खरीदें या लैपटॉप खरीदें, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है। कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है कंप्यूटर है, और आप देख पा रहे हैं बगल में हमारा लैपटॉप है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर और लैपटॉप को स्टार्ट करने की, तो आप देख पा रहे हैं हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में यहाँ पे पावर बटन है, जैसे हम इसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप में यहाँ पे टॉप पे आप देख पा रहे हैं पावर बटन है, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा लैपटॉप देख पा रहे हैं दोनों स्टार्ट हो रहा है। आप दोनों में देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं हमारा कंप्यूटर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा लैपटॉप भी स्टार्ट हो रहा है। हमने दोनों में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पासवर्ड पहले से लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देता हूँ और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं फाइनली हमारा जो है यहाँ पे विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है। हमारा इस लैपटॉप में विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लोड किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप में अगला क्या अंतर है। आप देख पा रहे हैं जो ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ये आप देख पा रहे हैं जो टीवी जैसा आपको दिख रहा है, ये इसका मॉनिटर है, जो भी कुछ काम करते हैं यहाँ पे दिखता है। आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड इस सीपीयू से कनेक्ट है ये। तो कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब अलग अलग है। अब हम बात करें, आप देख पा रहे हैं जो हमारे बगल में लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर देख पा रहे हैं जो डिस्प्ले है, इसी के साथ ये इनबिल्ट है, इसके अंदर ये बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो काला सा आपको कीबोर्ड दिख रहा है, ये कीबोर्ड भी इसी के अंदर लगा हुआ है, इसको हम अलग से इसको निकाल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो माउस है, आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर के अंदर माउस है, और माउस का काम बिल्कुल यहाँ पे टच पैड, ये टच पैड के माध्यम से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं। आप देख पा रहे हैं टच पैड पर, जैसे मैं यहाँ पर टच पैड पर अंगुली दाएँ बाएँ ले जा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं माउस उसी हिसाब से यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो सिंपली उस पर ले जाएंगे, दो बार उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। फाइल को आपको क्लोज़ करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्नर पे क्रॉस बटन है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल बंद हो गया। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो माउस का काम होता है, वही काम जो है लैपटॉप के अंदर जो टच पैड है, इसके अंदर यही काम करता है। देख पा रहे हैं कि इस माउस में दो बटन है, इसको लेफ्ट बटन बोलते हैं, इसको राइट बटन बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि टच पैड में लेफ्ट राइट बटन कहाँ होता है, तो आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ये लेफ्ट बटन होता है और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे राइट बटन होता है। अगर आपको राइट क्लिक करना है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राइट क्लिक का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से अगर आपको राइट क्लिक करना है तो आप यहाँ पर दो फिंगर को एक साथ टच करेंगे तो आप देख पा रहे हैं राइट क्लिक का ऑप्शन आ चुका है। चलिए जानते हैं अगला क्या अंतर। आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मॉनिटर, यहाँ पे मैं 18 इंच का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपके बगल में देख रहे हैं जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है ये 15 इंच का है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि लैपटॉप में सामान्यतः 18 इंच तक हमको डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि अगर हम बात करें कंप्यूटर में तो डिस्प्ले जो है हम चाहें तो 64 इंच तक का हमको डिस्प्ले मिल जाएगा। हम अपने हिसाब से डिस्प्ले इसमें अलग से लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम एक बार अगर हम लैपटॉप खरीद लेते हैं तो इसका डिस्प्ले हम नहीं चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की साइज एक बार फिक्स होती है। तो चलिए बात करते हैं अगर वेट की और साइज़ की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो लैपटॉप है बहुत थोड़ा एरिया यहाँ पर ले रखा है, जबकि आप देख पा रहे हैं उसकी तुलना में कंप्यूटर ज़्यादा जगह ले रखा है। हम अगर बात करें पोर्टेबिलिटी की, पोर्टेबिलिटी का मतलब अगर हम ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं और ट्रैवलिंग में हम लैपटॉप को लेके हम अपने साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी होती है, जबकि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर की साइज़ बड़ी होती है। आप इसको ट्रैवलिंग लेके नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जो अगर हम बात करें कि ग्राफिक्स का, अगर आपको गेमिंग के शौकीन है, गेम खेलना चाहते हैं, तो लैपटॉप के अंदर भी गेम खेला जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो रेजुलेशन की क्वालिटी है उतना बेहतर नहीं मिलती है जितना कि हमारे इस कंप्यूटर में मिलती है। तो अगर आप गेम के शौकीन हैं तो बेहतर होगा कि आप जो है कंप्यूटर यूज़ करें,
लैपटॉप में भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको कंप्यूटर में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगला क्या डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सप्लाई से चल रहा है, अगर सप्लाई यहाँ पे बाधित होगा तो यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि लैपटॉप की, तो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट बैटरी होता है और इसके माध्यम से हम 4 से लेकर 8 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा बैकअप कम मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।